नमस्कार आप सभी को। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित होकर रोजाना विभिन्न संगठनों के लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आम आदमी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि जम्मू कश्मीर से हमारे तीन साथी आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व का कमाल है। दिल्ली में विकास मॉडल से प्रभावित होकर आज हमारे बीच अमित कपूर जी, जो जम्मू के निवासी हैं और डोंगरा संगठन जम्मू के प्रेसिडेंट हैं, आप ऑल पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू के भी प्रेसिडेंट हैं। दूसरे साथी हमारे अजय डोगरा जी हैं, वो भी जम्मू से हैं और वो बापू खादी उद्योग संस्था के चेयरमैन हैं, भगत सिंह फोर्स ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। हमारी तीसरी साथी हैं रजनी जमवाल जी, आप भी जम्मू से हैं और आप प्रेसिडेंट हैं 10th+2 लेक्चरर एसोसिएशन की, आपने DDC का चुनाव भी लड़ा है। आप सभी का, आप तीनों लोगों का, आपके साथ आए हुए सारे साथियों का आम आदमी पार्टी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके आने से जम्मू के अंदर जो हमारी यूनिट है, जम्मू के अंदर जो आम आदमी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है, अरविंद केजरीवाल जी के काम का जो तरीका है और पार्टी है, वो आप सबके आने से बहुत मजबूत होगी। आप सबके आने से आम आदमी परिवार बढ़ेगा और निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ मिलकर जम्मू के अंदर एक अच्छा संगठन तैयार होगा। हमारे बीच में सौरभ भारद्वाज जी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पार्टी की टोपी और पटका पहनाकर आप सबका स्वागत करें। इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। ये लीजिए भाई साहब, ये उसके पीछे का फोटो हो जाएगी। अमित कपूर, आज हम दिल्ली में, आज हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से हमें दी गई है। हमारे सहयोगी अजय डोगरा जी, रजनी जम्वाल जी, ये वो चेहरे हैं जम्मू के लोग सभी इनको जानते ही हैं ऑलरेडी। देखिए, हमारा जो पार्टी ज्वाइन करने का एक मकसद था वो आप सब जानते हैं कि हम जम्मू में भी लास्ट 3-4 सालों से जो फाइट कर रहे थे वो किसको लेकर कर रहे थे, कि एजुकेशन को लेकर, कि एजुकेशन का सुधार हो। आप देख सकते हैं कि जम्मू में इतनी बुरे हालात हैं एजुकेशन के। गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करता नहीं। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए आगे नहीं आती। तो जब हमने दिल्ली के स्कूल देखे, हमने दिल्ली के हॉस्पिटल्स देखे, हमने दिल्ली की जनता का प्यार देखा आम आदमी पार्टी के लिए, इनके विचार से, इनके विचार धारा जो है उसी में समर्पित होके हमने आज ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में ज्वाइन करी है। और मैं जम्मू कश्मीर के सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी में आना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि वो दिन आ गया था। आप देख सकते हैं हम नॉन पॉलिटिकल बनकर हमने काफी देर फाइट की, लेकिन किसी भी एक राजनीतिक पार्टी ने हमें सहयोग नहीं किया। आप जानते ही हैं कि हम लोगों पर अटैक तक हुए जम्मू कश्मीर में, हम लोगों को हटाने की बड़ी कोशिशें की गई, वहां की पार्टियों के दबाव आए, प्राइवेट स्कूल माफिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
तो उसी को लेकर आज हमने दिल्ली में राजनीति पार्टी ज्वाइन करी है आम आदमी पार्टी, और उम्मीद दिलाते हैं जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स से कि आपकी फाइट कभी खत्म नहीं होगी। आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो दिल्ली में एजुकेशन का स्तर है, वैसा ही जम्मू कश्मीर में एजुकेशन का स्तर पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि लास्ट 3-4 सालों से हम एजुकेशन के लिए फाइट कर रहे थे, प्राइवेट स्कूलों पे निगेल कसने के लिए, गवर्नमेंट स्कूलों का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, लेकिन कोई भी एक राजनीतिक पार्टी जम्मू कश्मीर में, कोई पार्टी ने हमें सहयोग नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी जो राजनीति थी वो गंदी राजनीति मानी जाती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का फसाद करवाने की राजनीति है। लेकिन जो हम आज हम अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी से प्रभावित होकर, हम किसके लिए प्रभावित हुए? हम इस चीज के लिए प्रभावित हुए हैं क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो हमसे मिलती है। हम इनकी विचारधारा से प्रभावित हुए हैं क्योंकि इनकी जो राजनीति है वो है गरीब आदमी का भला करना, अच्छे स्कूल्स बनाना, शिक्षा के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स बनाना, रोड, बिजली, इन चीजों की राजनीति है। और इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर हमने आज ये जो जिम्मेवारी है वो ली है। धन्यवाद। मैम, आपका नाम, परिचय आप पहले दीजिए अपना। मैं रजनी जुमाल हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी का जो है वो बड़ा ही आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे, हम सबको जो जम्मू से आए हुए हैं, हमें अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। सर, मैंने खुद एज ए कंट्रेक्चुअल लेक्चरर जो है वहाँ जम्मू कश्मीर में 16 साल सर्व किया है। बहुत छोटी सी सैलरी के अमाउंट पे हमने पार्टनर एरियाज में काम किया। मैं प्रेसिडेंट भी रही हूँ 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की। मैंने बहुत ज्यादा फाइट की है। आपसे जुड़ने का आज एक ही मतलब मकसद है हमारा, क्योंकि हमें भी इंसाफ नहीं मिला और हमने देखा है कि जो दिल्ली में इतनी अच्छी डेवलपमेंट केजरीवाल सर ने जो है स्कूलों की है, वैसा ही सर और वैसी ही एजुकेशन जो है वो हम अपने जम्मू में चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के स्कूलों की हालत इतनी ज्यादा खस्ता है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। हमने काफी स्ट्रगल की इस चीज में, लेकिन हमें कोई भी उसमें कहते हैं ना जो कामयाबी होती है वो नहीं मिली। तो हमें बड़ी होप है इनसे कि जैसी डेवलपमेंट, जितना अच्छा स्तर इन्होंने जो दिल्ली में स्कूलों का किया है, वैसा ही स्तर जो है वो जम्मू में भी हो। और इसके लिए हम उनके साथ मिलकर संघर्ष करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सर वहां पे आए और वहां पे इनकी सरकार बने और हम भी जो हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़ने वाले बच्चों को जो है वो अच्छी एजुकेशन दे सकें। आपका नाम? मेरा नाम अजय डोगरा है। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि कैसे आगे आप काम करेंगे जम्मू में। जी, मेरा नाम अजय डोगरा है, मैं जम्मू से हूँ। हम लोग शिक्षा के ऊपर पिछले 3-4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए उनकी फीसिस कम हो, जो इनकी प्राइवेट स्कूल में अभी अभी लूट मची हुई है, उसके खिलाफ हम 3-4 साल से लड़ रहे हैं। उसमें हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आई, किसी ने हमें समर्थन नहीं दिया। तो आज हम जो है आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं, मित्तल जी के साथ, सरोज जी का शुक्रिया, उन्होंने जुड़ाया, हमें इसके साथ मिलाया है। तो हम प्रभावित हुए हैं केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली के अंदर स्कूलों का जो बनाया है, सिस्टम बनाया है, प्राइवेट जो हमारे लूट है स्कूलों की, उस पर भी नकेल कसी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा काम हमारे जम्मू कश्मीर में भी हो। वहां पे बहुत ज्यादा लूट है प्राइवेट स्कूलों को लेके, हॉस्पिटल बिल्कुल बेकार है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार है। तो हम इनके साथ मिलकर वहां पे भी हम जो है इन चीजों का सुधार करना चाहते हैं। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आप अपनी टीम उतारिए जम्मू कश्मीर में उसी तरह से जैसे दिल्ली में हम हो रहा है। हमारे बीच में सहप्रभारी भी हैं, प्रदीप मित्तल जी जो जम्मू से हैं और सहप्रभारी हैं, दुर्गेश पाठक जी, अरविंद केजरीवाल जी और विधायक महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले सभी साथियों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आम आदमी पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मॉडल जो है पूरे देश के अंदर किया जा रहा है, आने वाले टाइम के अंदर मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी साथी मिलकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर जो दिल्ली मॉडल है उसको लागू करेंगे। आने वाले टाइम में जो इलेक्शन है उसके अंदर हम लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, ये हमारा ऐसा प्रयास है। और सभी साथियों से यही इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आने वाले टाइम में अच्छे से पार्टी के सरकार को। जम्मू कश्मीर में खासतौर कश्मीर साहब प्रभारी हैं, सह प्रभारी, तो सीएम साहब कब पहुंच रहे हैं वहां? देखिए, निश्चित रूप से जल्दी ही सीएम साहब का वहां पर कार्यक्रम